उसके साथ ही में जिन फिल्मों में ऐसा कुछ नहीं है प्लीज उनको इज्जत दीजिए कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री है, आपकी फिल्म इंडस्ट्री है, उसकी इज्जत जी। फिर ये ऐसा हो गया ना आपकी इज्जत। अरुण जी मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन सर पिछली फिल्म में गाली दे दी, भगवान भोले को बाथरूम में दौड़ा दिया, अगली फिल्म में सम्मान कर दिया, चलिए अगली फिल्म देख लीजिए, इसमें नहीं किया। ट्रैक रिकॉर्ड है ना सर, ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा होता है। मैं कह रहा हूं सर ट्रैक सारा ही तोड़ दीजिए कसम से, अगर कोई भी ऐसा करे। और वो जिसने मैडम ने किया था, जिस मैडम ने किया था वो जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, हमने उसको तोड़ के रख दिया था। और आते हुए जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज है या फिल्म है उनको तोड़ के रख देने का है। रिया जी मैं आ रहा हूँ, लेकिन एक कमेंट पहले मुकेश खन्ना का, ठीक है सर। मुकेश खन्ना जी आप बोलिए, क्योंकि इससे बॉलीवुड इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी भाई। देखिए अभी मैंने ये पक्ष सुना है, इन दोनों का पक्ष सुना है, दोनों इसी बात से चिंतित है कि बॉलीवुड। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। को के खिलाफ ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड हजारों लोगों को नौकरी देती है, बॉलीवुड को आपको बहिष्कार नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि बॉलीवुड को मनमानी करने दी जाए? बॉलीवुड को नहीं खत्म करना चाहिए। ये देखिए सुने मेरी बात को पूरी, ये बॉलीवुड नहीं है, ये चंद प्रोड्यूसर्स है, ये 1, 2, 3, 4, 5 प्रोड्यूसर्स है जो सो कॉल्ड टॉप में बैठे हुए हैं। इन लोगों को पता है कि कुछ नहीं होने वाला, और वो हिंदू धर्म के खिलाफ क्यों है मुझे ये भी नहीं पता, पर उनको ये पता है कि ऐसा करेंगे करेंगे तो फिल्म हमारी हिट हो जाएगी। तो ये आप जो कह रहे हो कि बॉलीवुड का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, इसका मतलब ये कि बॉलीवुड को मनमानी करने दो। और दूसरा अरुण बख्शी जी कह रहे हैं कि भाई लोगों की सब जो वर्कर्स होते हैं, मैं बता दूं अरुण बख्शी जी भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, फिल्म जब बन जाती है रिलीज पर आती है सब वर्करों के पैसे मिल चुके होते हैं, नुकसान सिर्फ और सिर्फ एग्जीबिटर को होता है। खड़ा नहीं हो पाता है फिर। अगर आप बहिष्कार करेंगे दोबारा वो तो अगली बार ऐसी फिल्म मत बनाओ ना। अगली बार मुकेश जी की बात को जवाब देना चाहती हूँ। चलिए दीजिए कनिका जी, मतलब ये पक्ष आ रहा है कि जिनको हमारी आस्था की चिंता नहीं, हम उनकी इंडस्ट्री की कोई चिंता करें, जिन्हें हमारी आस्था, जिन्होंने हमारी आस्था की ऐसी की तैसी कर रखी है, हम उनकी चिंता करेंगे। बोलिए कनिका जी। जी प्लीज, अभी मुकेश जी ने एक दो बार ये कहा कि मैं ऐं कर लूंगा। मैं जानना चाहती हूँ कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र में कहा ऐं देखा, और उसका बहिष्कार इससे नहीं किया जा रहा है क्योंकि वो ऐं किया है, उसका बहिष्कार इससे किया जा रहा है क्योंकि 11 साल पहले रणबीर कपूर ने कहा था कि मैं पेशावर से हूँ और मैं रेड मीट खाता हूँ और बीफ भी खाता हूँ, ठीक है, इसलिए ये गलत है। अगर रणबीर कपूर ने 11 साल पहले बोला आप उसके लिए उसका ब्रह्मास्त्र का बहिष्कार करेंगे तो ये गलत है। आप पहले देखिए, अगर आपको लगे कि ऐसा कुछ है तो आप बात बोलिए कि भाई नहीं इसको उतरवाइए, या आप अपने हिंदू सेंटिमेंट्स का आपको लग रहा है कि मतलब उसका मजाक उड़ाया गया तो आप बोलिए, लेकिन यहाँ पे तो देखने के लिए भी नहीं जा सकते लोग क्योंकि आपने कह दिया कि उसको बॉयकॉट करो। और छोटे 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 शहरों में तो ये कहा जाता है, मेरे ड्राइवर की के फैमिली जो यूपी में रहती है उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमको तो बोला गया कि बहिष्कार ब्रह्मास्त्र देखने का ही नहीं, क्यों? क्योंकि वो सोशल मीडिया में ये बात फैले कि नहीं नहीं वो देखना नहीं है। अरे देखने तो दीजिए, और अगर देखेंगे तो हिंदू सेंटिमेंट इतना स्ट्रांग है कि लोग नहीं जाएंगे तो प्रोड्यूसर समझ जाएगा कि हिंदू सेंटिमेंट को हर्ट किया इसलिए नहीं जा रहे हैं, और उसके बाद वो नहीं करेगा। लेकिन अब बिना देखे अगर लोग, मैं भी यही कह रहा हूँ समझ में आना चाहिए, ऐसे प्रोड्यूसरों को समझ में आना चाहिए। लेकिन आपने कहां देखा ब्रह्मास्त्र में ऐ हूं बताइए? दूसरी फिल्मों की बात जो रिलीज करने के बाद हमको पता चला, उसके बाद पब्लिक ने उसका बहिष्कार खुद किया। अगर आप पहले से बोल देंगे कि नहीं देखना है तो शिवा को सेलिब्रेट किया है ब्रह्मास्त्र में, सूरज पाल लंबू है, सबसे ज्यादा विरोध अगर किया है तो कर्णी सेना ने किया है, जब दर्शन करने भी गए थे रणवीर और वहां पर भी विरोध हुआ था। इनके बीफ अच्छा। के बारे में एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, प्लीज बोल दीजिए। मैं चाहूंगा कि इंडस्ट्री के लोगों को मैं कैन आई से समथिंग, आप बोलिए सर प्लीज, कैन आई से समथिंग प्लीज, मुकेश जी बोलिए प्लीज। मैंने कहा कि देखिए जैसे ये कह रही हैं कि 11 साल पहले का स्टेटमेंट है, मैं आपको बता दूं कोनिका जी आप जहां बैठी हैं, मैं बैठा हूं, जहां अरुण बख्शी बैठा है, जहां पर रणवीर कपूर बैठा है, ये बहुत बहुत ही सेंसिटिव आयाम है। आप घर में शराब पीजिए, आप घर में डांस कीजिए, घर में पत्ते खींचिए, आप अगर इस देश में जहां बीफ को खाना का नकार रहा है कभी ओपनली मत बोलिए कि मैं बीफ खा रहा हूं।
क्यों भाई, अगर देश बीफ के एक्सपोर्ट से बहुत भारी बहुत ज्यादा रेवेन्यू अर्न कर सकता है, हम लोग चमड़े के जूते पहन सकते हैं, चमड़े रेवेन्यू की चिंता थोड़ी ना भाई, आस्था की बात करो, रेवेन्यू की पड़ी आप। अरे तो वो आप भी अरे दो मास की बात मत करिए, आप कानून बनाइए, 2014 से बीजेपी सरकार है, अभी तक कानून क्यों नहीं बनाया? कुनिका जी, गौ माता माता को पूजा जाता है, आप कह रही हैं बीफ खा लिया, भाई गौ माता माता का दर्जा है, गौ माँ आप कह रही हैं बीफ, मैम सेंटीमेंट्स है ना, फॉर ग्रांटेड नहीं है ना, यही तो बात है ना, 28 किस्म के बफलो भी होते हैं बीफ में। अच्छा चलिए, अम्मू जी गाय की चमड़ी आप बेचते हैं, आप बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक, तो क्यों करते हैं? मैम वो राइट टू रिजेक्ट, उनका फ्रीडम ऑफ चॉइस है, जिनको नहीं देखनी उनको जबरदस्त। अच्छा जी एक मिनट बोलिए आप अम्मू जी, उसके बाद मानवी जी एक कमेंट आपका और रिया जी एक कमेंट आपका। जी जी सर एक मिनट, सूरज पाल अम्मू कड़ी सेना से, अम्मू जी बोलिए ना भाई, बिना फिल्म के देखे आप लोग बहिष्कार के। सैकड़ों वर्ष पहले बाबर ने अनेकों अनेक मंदिर तोड़े, लोगों को हिंदू से मुस्लिम बनाया, सैकड़ों वर्ष पहले अनेकों अनेक घटनाएं हुई, हम उनको भूल जाएं, जो मुंबई के अंदर बम धमाके हुए हम उनको भूल जाएं, जो दाऊद इब्राहिम जिसके ऊपर आपने अनेकों अनेक फिल्में बनाई, क्या हम उसको भूल जाएं? बीफ का एक स्टेटमेंट दे दिया, क्या हम उसको? कुनिका जी मैं आपको सुन रहा था, आप सुनिएगा, कुनिका जी प्लीज दाऊद इब्राहिम को अभी तक लेकर क्यों नहीं आए? हम नहीं भूले हैं। अरे आप प्राइम मिनिस्टर भूले, आपका राहुल गांधी के साथ आप राहुल गांधी के साथ बैठ के बात करना चाहती हैं क्या? एक एकर कैसे नहीं, पर्सनल नहीं होते, एक और बात कर लूं आपसे, अम्मू जी आप बोलिए, एक एकर मेरा सिर्फ ये कहना है सर, ब्रह्मास्त्र का मतलब क्या है? ब्रह्मास्त्र का मतलब क्या है? वो ब्रह्मा का अस्त्र है, जिस ब्रह्मा को पूरी दुनिया पूछती है, पूरा हिंदुस्तान पूछता है, उस ब्रह्मास्त्र का मतलब मालूम है अपनी, उस ब्रह्मास्त्र का मतलब मालूम है? उसी को रामायण का मतलब, ब्रह्मास्त्र का क्या मतलब, महाभारत का मतलब, ब्रह्मास्त्र का मतलब, आप कुछ भी बनाएंगे, कुछ भी बोलेंगे, हम सुनेंगे देखेंगे, आप जो बोल रहे हैं सही है, अब अमन चोपड़ा सब गलत है, मुकेश खन्ना गलत है, अरुण बख्शी गलत है, पूरा हिंदुस्तान गलत है, आप ठीक है, आप कहते हैं भीम का नहीं, वो ये कह रही हैं, वो ये कह रही हैं अम्मू जी, कुनिका जी कह रही हैं, देखने से पहले ही कैसे तय कर लेते हैं, बायकॉट करिए सर, देखिए तो सही, आप बनाओ हो सकता है वो कंटेंट, आप ईसाइयों के ऊपर बनाइएगा, मुस्लिम धर्म के ऊपर बनाइएगा, उनके नाम का रखिएगा कोई, अरे देखिए उसमें शिवा को सेलिब्रेट किया है, भाग रखिएगा जो आप बनाना बनाइएगा, परंतु बार बार हिंदू धर्म को टारगेट करेंगे आप, जाके बार बार हिंदू धर्म को टारगेट करेंगे, कमेंट भैया का ले लेते हैं हम, बायकॉट भी ना करें, आप एक ड्राइवर की बात कर रहे हैं जी, कुनिका जी मुझे एक मिनट दे दीजिए, मैं को सबको टाइम देना जरूरी है, एक मिनट में रिया का एक स्टेटमेंट और ठीक सर हो गया, मुझे ब्रेक पर जाना, उससे पहले रिया एक कमेंट आपका, ठीक है अम्मू जी मेरा सम्मान कर लीजिए, मेरा बात सम्मान, एक मिनट रिया जी आप बोलिए, जब तक कोई चुप नहीं, हाँ हाँ नहीं हो गए चुप हो गए, बोलिए आप रिया, सही या नहीं? जैसे अभी बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात ये जैसे कनिका जी ने कहा है 100% सही कहा है कि ये असली मुद्दों से भटकाने के लिए ये सब आईटी सेल करवा रही है और कुछ नहीं है। हकीकत है कि एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये जो पिक्चर है जो ये लोग कर रहे हैं, ये ब्रह्मास्त्र हिंदुओं पे बना है, और आप उसी को उसी का बहिष्कार करने का मतलब ये है आप हिंदुइज्म आप बात आपको बीच में बोलने का हक किसने दिया? मेरा टाइम है, आप ब्रह्मास्त्र का पोस्टर देखिएगा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसा नहीं है, ब्रह्मा का अस्त्र है मैडम, रहने दीजिए निकले।